दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और भी नया खुलासा हुआ है। जहाँ पर प्राची की याददाश्त को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया है, वहीं दोस्तों इस समय रणबीर की बात की जाए तो रणबीर ने यह भी बोल दिया है कि अगर मैं प्राची के फोटो को जला सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीका से रिया के साथ में शादी करूँगा, क्योंकि मुझे रिया के साथ में किसी भी तरीका से कोई शादी या कुछ करना ही नहीं है, बल्कि रिया अब यहाँ से जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आलिया और रिया को अच्छा खासा जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है रणबीर। रणबीर का मानना यह है कि अब मेरी ज़िंदगी एक नए दौर से स्टार्ट होगी और नए दौर से इस तरीका से होगी कि अब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी का एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय प्राची को दिखाएगा वो कि वो क्या इस घर में वैल्यू करता है। क्योंकि दोस्तों वैल्यू की अगर बात की जाए तो वैल्यू इस समय बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी इसलिए है और इसीलिए रणबीर एक नई पोजीशन में आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि रणबीर ने बोल दिया था कि मैं उस घर में ही दोबारा वापसी करूँगा, और दोस्तों वापसी करने का एक रीज़न नहीं है बल्कि इस समय कई और भी रीज़न देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं, और चिंता करने के पीछे के रीज़न और लक्षण भी कई दिख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही सभी लोग बेहद ज़्यादा चिंतित में अलग अलग तरीक़ा से डूबे हुए हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ये कैसे हो रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर रणबीर का नया रूप देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी